हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आलू का भरता या आलू का चोखा। तो उसके लिए मैंने आलू को बॉईल किया है और बस उसके छिलके निकाल लूँगी और फिर उसे मैश करके मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करने वाली हूँ। सो यहाँ पर ना कुछ प्याज भी मैंने चॉप कर लिए हैं और यहाँ पर ग्रीन चिली चॉप कर रही हूँ। तो एक दो तरीके से मैं बनाती हूँ आलू का भरता, आज मैं आपको एक तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फिर इसके बाद ना एक पैन ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। तो भरता वगैरह में ना मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा लगता है, तो मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। इसमें डाल दूँगी राई और उसके बाद उसमें थोड़ा हींग डाल दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली जो चॉप किया हुआ है। तो बस ये सारा तड़का जो है ना हम डाल देंगे आलू पे। और प्याज को मैं तड़के में नहीं डालूंगी, प्याज को मैं कच्चा ही इसमें डालती हूँ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका। और यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च को ऐड करूँगी, नमक वगैरह डाल के बस हमारा भरता रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ना मैं लंच की तैयारी कर रही थी ना, तो दाल चावल मैंने बना लिए थे। यहाँ पर जियांश को कुछ पढ़ाई करनी थी, बुक लेकर आया है तो मैं उसे वही पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो कभी कभी उसका मन होता है तो वो लेकर आता है तो पढ़ा देती हूँ, बाकी कोई फोर्स नहीं है। तो बस यहाँ पर उसको स्टोरी सुना रही थी मैं, चादर वगैरह लेकर आ गया था वो खुद ही। यहाँ पर जो है चावल भी रेडी हो गए गर्मा गर्म, तो बस चावल को यहाँ पर पसा लूँगी और जो है लंच बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ना लंच करने में अभी सबका टाइम था। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था मेरे इन लॉज आए हुए हैं, तो यहाँ पर मम्मी अपना सामान वगैरह दिखा रही थी, जियांश के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी वो उसे दे रही थी, तो बहुत ही खुश हो गया था। और जब से दादा दादी आए हैं जियांश तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। तो बस यहाँ पर मम्मी कुछ सामान लेकर आई है वो मुझे दे रही थी। तो होता है ना जब मम्मी पापा आते हैं, कोई भी मेरी या फिर मेरी सास वगैरह आती है, तो सामान तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो ये सब सामान ना मैं एक ही बास्केट में ले जाऊंगी, तो सब किचन रिलेटेड सामान है तो वहीं पे रख दूंगी और इसे अरेंज तो मैं बाद में ही करूंगी। बस मम्मी यहाँ पर मुझे अपने कपड़े वगैरह दिखा रही थी, ये लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ, तो बस यहाँ पर यही चल रहा था। बस यहाँ पर ना लंच थाली भी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने बनाया है राइस और उसके साथ मैंने बनाया है दाल और कुछ सलाद ले लिया है, ग्रीन चिली मस्ट और आलू का भरता और अचार। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बिहारी थाली रेडी हो गई है यहाँ पर, और ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में स्पेशली लंच के लिए। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा भरते की रेसिपी। सो यही था हमारा लंच और ये शाम का टाइम है, मतलब 6-7 बजे का। और ना मैं यहाँ पर जो आलू है ना मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल किए थे, तो उसी का मैं ना पराठा बना रही हूँ डिनर के लिए। तो पहले जो बर्तन है वॉश किए हुए थोड़े बहुत है वो अरेंज कर दूँगी और उसके बाद जो है ना पराठे बनाऊँगी। Thank you.
ये था हमारा डिनर रहेगा। जियांश को भी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी, ये है ना नेक्स्ट डे का क्लिप है, और यहाँ पर मैं बना रही थी उड़द दाल को, मैं बीट कर रही थी पीस करके, तो अच्छे से ये फ्लफ़ी होने तक बीट करूँगी। और मैं इसका बनाने वाली हूँ वड़े, तो कांजी वड़े और दही वड़े मैं इस बार उड़द दाल के ही बना रही हूँ, अदरवाइज़ हम मूँग दाल के बनाते हैं। तो बस वो यहाँ पर बीट कर रही हूँ, और इसमें जो ये जो है ना, ये है मूंग का दाल, तो मैंने इसे पीस कर रखा था। और इसमें कुछ मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, नमक और कसूरी मेथी, आखा धनिया डाला है, और बेसिक मसाले जैसे कि हींग मिर्ची धनिया ये सब डाल दूँगी, और प्याज भी डाला था हरी मिर्च वगैरह डाल के। तो इसका मैं पकौड़े बनाने वाली थी। और यहाँ पर दोनों सासू बहू मिलके बना रहे हैं बड़े वगैरह, तो बस वही मिलके बना रहे हैं, मम्मी मुझे कुछ बता रही है। यहाँ पर मम्मी ना उस साइड हलवा भी बना रही थी, कुछ हमें चढ़ाना था मंदिर में तो उसके लिए, तो बस मम्मी उधर हलवा बना रही है। तो वो जो पैन लेकर आई थी ना मैं, तो उसका इनॉग्रेशन आज ही हुआ है हलवे के साथ, तो कुछ मीठा बनाना था मुझे इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रही थी, तो बस मम्मी वही बना रही है हलवा। यहाँ पर तैयार कर रहे हैं हम लोग कांजी वड़े के लिए, तो बस पानी ले लिया पैन में, और इसमें ना पानी नमक डाल देंगे और थोड़ा राई का पाउडर, और मम्मी थोड़ा इसमें दही भी ऐड करती है 2 से 3 चम्मच। तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पर, और वड़े निकालने के बाद ना गरम गरम वड़े इस पानी में ही डाल देंगे, ताकि जो वड़े हैं ना जल्दी जल्दी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पूरी अंदर तक। तो बस यहाँ पर जो वड़े निकालने हैं उसमें भी नमक को ऐड कर रही हूँ। तो जिस साइज़ के वड़े आपको पसंद है उस साइज़ के वड़े निकालिए। तो यहाँ पर बना रहे हैं वड़े गरम गरम, तो अच्छे लगते हैं उड़द दाल के भी, हमने इस बार खाए काफ़ी अच्छे लगे हमें भी। तो बस वही मम्मी भी निकाल रही थोड़े, मैं तो दोनों मिलके है ना तैयार कर लेंगे। तो बस वड़े सारे निकाल लेंगे, और जो है ना कांजी वड़े डाल दिए थे मम्मी ने, और उसके बाद ना नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे बने थे वैसे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, तो जितना बीट करते हैं उतना टेस्टी बनता है ये।
तो बस यहाँ पर ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पर मैं राइस को फ्राई कर रही हूँ, लेफ्ट ओवर राइस को। तो ऑयल ले लिया था, उसमें ग्रीन चिली डाला, जीरा राई डाला था और फिर यहाँ पर प्याज टमाटर ये सब डाल दूँगी, मसाले डाल दूँगी और जो है ना राइस डाल दूँगी और उसके बाद लास्ट में धनिया पत्ता और नमक। तो बस राइस हमारा रेडी हो जाएगा। हाँ बोलो। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी हैं जो कि ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कि कबूतर ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें घर बना रहे हैं, तो उसी का जुगाड़ यहाँ पर चल रहा है। और यह है आज, ये है 8 तारीख यानी कि होली का दिन था। तो बस वही जियांश को ना दादा दादी दोनों मिलके ये पिचकारी भर के दे रहे हैं होली खेलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकर आए थे उसके लिए मम्मी पापा ये। तो बस यहाँ पर वही चल रहा है और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे जो कंपाउंड का नज़ारा है अभी। तो ये तो सुबह सुबह का ही था, बस शुरुआत ही हुई थी और यहाँ पर मम्मी पापा को लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं, हल्का फुल्का मनाते हैं खुशी से। तो बस यहाँ पर मैं जियांश ने मुझे कलर लगाया तो बहुत खुश था, वो भी नया नया ये देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि जब पहले तो बहुत छोटा था, अभी थोड़ा समझ रहा है तो उसको समझ आ रहा है ये सब। तो बस फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही शेयर कर पाऊंगी और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड वेरी हैप्पी होली, बाय बाय।